हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आज फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी मॉर्निंग टाइम है और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो ये सब मैं नहीं खाने वाली हूँ। पापा और गुलफ़ा जो है ना कल आए थे शाम के टाइम पर मिलने के लिए और कुछ काम भी था, लेकिन फिर जो है ना बारिश हो रही थी और रात भी हो गई थी हम लोगों को बात करते हुए, तो फिर मैंने रुका लिया था कि सुबह चले जाना नाश्ता करके। तो फिर जो है ना अभी सुबह हो गया, तो बस मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए ब्रेड पकोड़े बनाए थे उनके लंच के लिए, तो फिर उसी में से जो है ना वेटर वगैरह बच गया था, तो मैंने कहा चलो इनके लिए भी नाश्ते में यही बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे पापा और गुलफ़ा का मैंने नाश्ता लगा दिया है और हम लोगों का जो नाश्ता है वो अलग रहेगा, सिंपल सा। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं गुलफ़ा और पापा को दे दे रही हूँ ब्रेड पकोड़े। तो ये छोटे छोटे से जो है ना ऐसे मैंने गुलफ़ा वो सॉरी आले नायक को बना कर दिए हैं, और ये बड़ा सा जो दिखाई दे रहा था ना तो वो मैंने पतला सा बैटर था उसमें पकौड़ी वो प्याज डाल दी और पूरा मैंने ऐसा ही बैटर उसमें डाल दिया, तो बड़ी सी पकौड़ी बन के तैयार हो गई। तो बस अभी सभी लोग जो है ना अंदर नाश्ता कर रहे हैं। तो बाहर हो रही थी बहुत जोर था, मतलब कल से कुछ टाइम से जो है ना ऐसी ही बारिश लगी हुई है, हो जाती है बंद हो जाती है, कहीं स्टार्ट हो जाती है। अब देखो सुबह से ही जो है ना बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश में ना गर्मा गर्म पकौड़े खाने का किसका मन नहीं करता है। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, कितना तेज़ मतलब कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। तो ये जो है काम है हमारा अच्छा रहा कि बारिश से पहले हो गया, और जिस दिन हमने ये कराया ना बाहर का काम उस दिन बारिश नहीं हुई। अल्लाह का बहुत रहम व करम रहा, वरना पूरा बह जाता। लेकिन अब बारिश हो रही है कोई बात नहीं, अंदर का काम है तो वो होता रहेगा, लेकिन बारिश की वजह से जो है ना लाइट बहुत परेशान कर रही है। तो बस यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो बाजरा है वो रेडी है शायद कटने के लिए, क्योंकि बाल बिल्कुल आ चुकी है और ये बारिश से शायद नुकसान ना हो जाए, इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन बस यहाँ पे मैं सोच रही थी यही कि बारिश हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो। तो बस यहाँ पे जो है ना पूरे जो रोड है हमारी बढ़िया से हो गई, आगे का हिस्सा पहले गंदा सा लगता था, लेकिन अब जो हमने ये पलस्तर वगैरह करा दिया है ना उसके वजह से बिल्कुल बढ़िया साफ और धुल गया है। और वैसे इस पर आज तराई करनी थी, लेकिन अब बारिश हो रही है कल से ही, तो तराई वराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखो ये वाला खेत ना जुता हुआ डला है, तो इसमें बीज वगैरह बोएंगे शायद। और ये देखो बारिश होती है ना पूरा सामने इसकी साइड ना पूरे धुंध धुंध सी नज़र आती है, और ये हमारा जो बाहर का हिस्सा है ये अभी इस तरीके से है क्योंकि अभी खिसाई नहीं हुई और यहाँ पे मसाला बनता है, तो इसलिए अभी इसका कलर ऐसे ही है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और फिर बातें करते हैं। तो जी सिस्टर, अब बैठ जाइए आप लोग, फुर्सत से मेरी वीडियो देखिए और जो मैं बात कर रही हूँ वो सुनिए। तो मैं कोई गलत नहीं बोल रही थी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ एक दो कमेंट आए थे कि आप अगर वीडियो बनाते हो आप यूट्यूब पर हो तो लोग तो कुछ बोलेंगे और वो आपको सुनना पड़ेगा। तो सिस्टर ऐसा नहीं है कि अगर मैं यूट्यूब पर हूँ मैं वीडियो बनाती हूँ तो कोई भी इतना गलत बोलकर चला जाएगा। तो फिर अगर आपको हक है कमेंट करने का तो मुझे भी हक है रिप्लाई देने का। अगर बात मुझे मैं सोचती इग्नोर कर सकती हूँ तो उस चीज़ को मैं इग्नोर भी करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं हर एक का रिप्लाई करने बैठ जाती हूँ, मुझे और भी बाकी काम है। लेकिन जिसकी बात मुझसे नहीं बर्दाश्त होती तो उसका मैं रिप्लाई भी देती हूँ, और ये हर एक बंदे का हक है कि अगर उससे वो बात बर्दाश्त नहीं होती है तो वो उसका रिप्लाई कर सकता है। तो सिस्टर ऐसी बात है, ठीक है? तो आपने बोला था ये रिप्लाई आपके लिए। और रही बात इन मोहतरमा की, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग साथ शेयर करूंगी कि क्या बात बोली है और क्या रिप्लाई मैं देना चाहती हूँ, तो कल की वीडियो में मैंने नहीं दे पाया था रिप्लाई। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अब आपने बताया नहीं, आपने जिसकी बात कर रही थी वो तो आपने जवाब दिया ही नहीं। तो सॉरी मैं कल नहीं दे पाई किसी रीज़न की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे फुर्सत है और मैं आराम से बैठकर आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैं अब तसल्ली से, क्योंकि उस चीज़ पर तसल्ली से बात करना चाहती थी। तो बस अभी इनाया सो रही हैं और आलिया अपने पापा के साथ गई हैं, बाजार गए हैं वो। तो जी चलिए अब चलते हैं उस कमेंट की तरफ जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो वहाँ पर जाके आप पढ़ लेना। और ये मैडम मतलब बोलना क्या चाहती हैं, तो मैंने बात करी थी पैसों के ऊपर, क्योंकि एक सिस्टर ने मेरे कमेंट किया था कि आप मतलब
पैसा खत्म हो गया तो आपका घर अधूरा रह गया, तो उसके ऊपर मैंने रिप्लाई दिया था। तो उसी का बात का इनको बुरा लग गया कि इनका पैसा कैसे खत्म हो सकता है, इनका ससुर तो इतना पैसा छोड़कर गया है कि ये पूरी जिंदगी ऐश करेंगे बिना काम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन, आपके मुँह में घी सक कर के हम बिना काम किए पूरी जिंदगी आराम से रहे ऐश करेंगे। तो ऐसी किस्मत हर किसी की तो होती नहीं है, लाखों में एक की ऐसी किस्मत होती है कि पूरी जिंदगी ऐश करेंगे बिना काम किए हुए। क्या बात है। तो ऐसे ही आप लोग सभी दुआ दें। तो अब ये कहना चाहती हैं कि इनके ससुर छोड़ कर गए हैं, तो जी सिस्टर चलो मेरे ससुर तो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, तो हमें आराम से हमें ऐश कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, सब कर रहे हैं, तो इसमें मेरा गुनाह कहाँ से है, मैंने क्या गलती की है? अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत अगर ऐसी लिखी है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, नहीं है ना? अगर मुझ में कोई अच्छाई होगी, अल्लाह ने मुझ में कुछ अच्छाई देखी होगी, कोई नेकी देखी होगी, जब भी तो मेरी ऐसी किस्मत लिखी होगी। मेरी किस्मत में इतना सब कुछ अच्छा लिखा होगा कि मेरे ससुराल वाले अच्छे हों, मेरे ससुर सास ससुर अच्छे हों, मेरे हस्बैंड अच्छे हों, तो ये भी सब किस्मत का खेल है, ठीक है ना? और अपने माँ बाप की दुआएं, ये सबसे बड़ा है। अगर आप अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाते हो ना, तो उनके मुंह से दुआ ही निकलती है, और लड़की को हमेशा ससुराल अच्छी मिलती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ससुराल अच्छी मिलती है, लोग अच्छे मिलते हैं। तो ये तो मेरी किस्मत है, इसको तो कोई छीन नहीं लेगा, छीनने वाली चीज़ तो है नहीं कि आप किस्मत से मेरी ये सब कुछ छीन लोगे। तो इतनी जलन क्यों? अगर आपके ससुर ने आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती है क्या? जब ही तो जलन है, मतलब यही तो चिढ़ है कि मेरे ससुर इतना छोड़ कर गए हैं, और अरे यार इनके ससुर तो इनके लिए इतना कुछ छोड़ गए, हमारे तो छोड़ा ही नहीं है, तभी तो ये चीज़ें निकलती हैं। समझ गई मैं। तो देखो, मेरे ससुर ने जो छोड़ा सो छोड़ा, माँ बाप की दुआएं भी होना चाहिए, और जब माँ बाप दिल से दुआ देते हैं ना, तभी उसके साथ अच्छा होता है। और रही दूसरी बात कि इंसान अगर थोड़े में भी खुश होता है ना, तो उसको ज़्यादा भी मिलता है, ठीक है? तो तुम जैसी कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएं, दुनिया भर की दुआएं पूरी हो जाएं, फिर भी खुश नहीं रह सकती हैं, फिर भी सामने वाले से जलना ही है, सामने वाले से जलती ही रहेंगे, और सामने वाले के लिए बुरा बोलते ही रहेंगे, चाहे कितनी भी दुआएं पूरी हो जाए, चाहे जितनी भी ज़रूरतें हों वो पूरी हो जाए, चाहे दुनिया भर की दौलत मिल जाए, दुनिया भर की खुशियां मिल जाए, लेकिन नहीं, सामने वाले की खुशी देखकर खुश नहीं हो सकते। सामने वाले को तो अगर खुश देख लिया, उसको अगर घर बसते हुए देख लिया, तो उसको देखकर तो चिढ़ना ही है, और उसके लिए बुरा बोलना ही है। जहाँ मौका मिले वहाँ मौका नहीं छोड़ेंगे हम भूल कर। तो ये कुछ घटिया औरतों की आदत रहती। अब मैं घटिया बोलूँगी, अगर आपको सिस्टर सॉरी बुरा लग रहा हो कि आप मैं औरत होके औरत को घटिया बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा भी दिल दुखता है कि मुझसे मतलब ऐसे बात की जाती है, मेरे लिए गलत बोला जाता है। तो तुम जैसी घटिया औरतें होती हैं जो घर में आग लगाती हैं और दूसरों को देख कर जलती हैं और लड़ाइयाँ करवाती हैं, ठीक है ना? तो ये तुम्हारे लिए, ठीक है? तो जो भी हो तुम, सबाना परवीन और सहनाज परवीन, जो भी हो तुम, अपनी घर तक रहो। अगर मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी वीडियो देखना पसंद नहीं है, तो प्लीज़ मत देखो, लेकिन ये गंद मेरे तरफ मत फेंको, अपनी गंद अपने तक ही रहो, मुझे पसंद नहीं है। मुझे ये रिप्लाई करना था, इसलिए मैंने तुम्हारा कमेंट रखा कि दुनिया देखे, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो देखे कि कितनी घटिया सोच है इस औरत की। मैंने क्या बोला था अपनी वीडियो में कि मैं अपनी ज़िंदगी अब शांति से गुजारना चाहती हूँ, मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, मेरा छोटा सा परिवार है, उसके साथ अब मैं खुश रहना चाहती हूँ, शांति से रहना चाहती हूँ, किसी के कित पित नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैं किसी के कमेंट पर रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, ना मैं रिएक्ट करती हूँ, क्योंकि जिसके कमेंट मुझे गलत लगते हैं
मुझसे नहीं सहन होते, मैं उसका रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ, चाहे आप बोलो कुछ भी कि तुम ब्लॉक कर देती हो। हाँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ, मुझे नहीं पसंद अपने तरफ गंदे लोग। ठीक है, आपको रिप्लाई जैसे मिल गया होगा ना, समझ में आ गया होगा ना, तो किसी और से भी मत बोलना ऐसा। मैं तो खैर अपने चैनल पे आपको ब्लॉक कर ही दूंगी, और तुम फिर से कोई आईडी बनाओ, क्योंकि फुर्सत में बैठे हुए लोग ना रोज आईडी बनाते हैं, क्योंकि उनको कोई काम तो होता नहीं है, उनको यही काम होता है आईडी बनाओ और चुगलियाँ करो, चुगलियाँ चुगलियाँ, है ना। तो हमें ये आदत तो है नहीं, क्योंकि ना हम ऐसे लोग रखते हैं जिनसे हम चुगलियाँ करें। तो बस मुझे करना था रिप्लाई, तो मैंने रिप्लाई कर दिया है आपको, बच्चे से समझ में, अगर इंसान होंगे तो, नहीं तो फाड़ में जाओ। ठीक है, तो जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोगों को अगर मेरा जो मैंने रिप्लाई दिया है, अगर इसमें से कुछ गलत लगा हो तो सॉरी, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बोली। आप कोई भी अपने ऊपर नहीं ले जाना, ये सिर्फ मैंने सबाना परवीन और सहनाज परवीन, ये एक ही बंदी है जो डबल आईडी से आई है, क्योंकि सब कुछ चेक हो जाता है कि कौन दो आईडी बना है, कौन एक आईडी बना है। तो मैं सिर्फ इन दोनों बंदी, मतलब एक बंदी से इनसे ही बोल रही हूँ, और किसी को मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। तो इसलिए कृपया करके कोई भी अपने ऊपर नहीं लेना कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो, वैसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि जब मुझे, वैसे मैं बोलती नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल सी औरत हूँ, अपनी सिंपल सी ही ज़िंदगी मैंने गुजारी है, और मुझे ऐसे ही पसंद है, ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, ताम झाम मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे ही पसंद हूँ। तो मुझे अगर कुछ ज़्यादा बुरा लगता है तो फिर मैं ऐसे ही बोलती हूँ। मतलब कहते हैं ना, जो इंसान ज़्यादा शांत रहता है ना, उसके अंदर तूफान ज़्यादा होता है। तो मैं वैसे तो किसी को जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन जब मैं जवाब देने पे आती हूँ तो अच्छे से जवाब देती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ, इसी रिप्लाई के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ, और आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छी फ्रेश वीडियो के साथ, फ्रेश मूड के साथ, क्योंकि जब ऐसे लोग, घटिया लोगों को रिप्लाई देते हैं ना, तो थोड़ा सा माइंड ख़राब हो जाता है। तो अब मैं अपने माइंड को इतना फ्रेश करूँगी, थोड़ा सा अच्छे उसमें आऊँगी, तो अभी बाहर जाऊँगी, अच्छा ऑक्सीजन लूँगी, इसीलिए मैंने अपना घर खेत खलिहानों में लिया है, कि मैं अपना मूड फ्रेश कर सकूँ, और अच्छी ऑक्सीजन के साथ तो ठंडी हवा लेके ठंडा दिमाग करूँ, सीधी सी बात ये है, ज़्यादा लॉजिक आती नहीं है। तो चलिए, और आप लोगों को इसके बाद में एक वीडियो स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं आपको अपना घर बाहर का मौसम दिखाती हूँ, हमारे यहाँ क्या मस्त बारिश लगी है, रिम झिम, मतलब तेज़ वाली बारिश तो थोड़ा सा आतंक मचाती है, लेकिन ये रिम झिम वाली बारिश है बिल्कुल सी। तो चलिए, इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तो आओ, मैं याद रखना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, वो एक यूट्यूबर कहती है ना, लाइक करना नहीं, सब्सक्राइब करना लाजमी है, तो मेरे यहाँ पे लाइक करना लाजमी है। और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।